शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो हेलो, क्या मैं कमिश्नर साहब के साथ बात कर सकती हूँ? यस स्पीकिंग। सर सर, मैं पेटरॉन मिल्टन अपार्टमेंट से बोल रही हूँ। कल सुबह यहाँ एक पूरी फैमिली को किसी ने मार दिया। मिल्टन अपार्टमेंट? हाँ 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 हाँ, फ्लैट नंबर 503। जी हाँ जी हाँ, वही। मैंने उन खूनियों को देखा है और मैं उन्हें पहचान भी सकती हूँ। तुम खूनियों को पहचान सकती हो? जी। तुम्हारा मतलब है जिस वक्त ये हादसा हुआ तुम वहाँ मौजूद थी? जी हाँ। तो फिर तुमने उस वक्त क्यों नहीं बताया जब पुलिस इंक्वायरी कर रही थी? सर उस वक्त मैं इस हालत में नहीं थी कि पुलिस को कुछ बता पाती, क्योंकि जिस परिवार के साथ ये हादसा हुआ मैं उसी परिवार से हूँ। ओ, पुलिस अभी वहाँ पहुँच रही है, तुम बिल्कुल मत डरना। तुमने जो कुछ भी देखा है उसे ठीक से याद करके पुलिस को बता देना। ओके ओके सर। ये कैसे हो सकता है खान? उस लड़की ने अपनी जान बचाने के लिए घर का ऐसा कौन सा कोना ढूंढ लिया था जिस पर हमारी नजर नहीं पड़ी? वन मिनट, लेट मी जस्ट रिकलेक्ट द होल थिंग। बाहर के दरवाजे को लात मार के अंदर आया और ड्राइंग रूम में पहुंचा। बाली वहां टीवी देख रहा था। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने उससे वक्त पूछा, उसने घड़ी की तरफ देखा। पहला फायर मैंने घड़ी को किया था। गोली की आवाज सुनकर उसकी बीवी बाईं तरफ के कमरे से चिल्लाते हुए आई। मैंने एक ही गोली मुंह से चुप कर दिया। बाली भागा, हम सब उसके पीछे पीछे गए। वहां से दौड़कर सीधे कमरे में दाखिल हुआ। वहां पर एक लड़की थी, वो हमें देखकर चिल्लाई भागी। मैंने उसे उड़ाया, बाली फिर भागा। इस बार गोली मैंने उसके हाथ में मारी, जख्मी हाथ लिए बाली बाहर वाले कॉरिडोर में पहुंचा जहां पर हनीफ और गुप्ते पहले से मौजूद थे। खान, इस पूरे दौरान हम घर के हर कमरे से गुजरे थे, कहीं कोई नहीं था, कोई नहीं था। उसके बाद कॉरिडोर में पहुंचकर मैंने बाली को गोली मारी। तभी उसका बेटा पीछे से चिल्लाते हुआ आया। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? डिस्टर्ब कर दिया उसने मुझे। He disturbed me. मैंने पहले उसे मारा था और फिर जब वापस बाली की तरफ पलटा तो बाली भागने की कोशिश कर रहा था। खान, बाली बच सकता था अगर वो गोली की रफ्तार से तेज दौड़ता तो। उस घर में किसी गवाह के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई नहीं था वहां। और जहां तक उस अपार्टमेंट बिल्डिंग का सवाल है, वहां के सारे फ्लैट्स एक तरफ है और सामने की तरफ सिर्फ एक सीधी सी दीवार। और जब हम गोली चला रहे थे तो एक भी दरवाजा नहीं खुला था। राइट राइट सर। राइट, गवाह किधर था? वन मिनट। सालवी, कॉरिडोर के आखिर में एक फ्लैट था, लड़की उस फ्लैट में है। उस फ्लैट से पूरा कॉरिडोर दिखता है। ए, गुप्ते, सालवी, खान के साथ जाओ, लड़की उस फ्लैट में है। उस लड़की को पकड़ो, उसकी लाश किसी को नहीं मिलनी चाहिए। क्या क्या नाम है तुम्हारा? किरण। तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूं, अपनों की मौत का दुख क्या होता है जानता हूं मैं। सबकी मौत का मुझे दुख नहीं है,
मेरा बाप सिर्फ नाम का ही बाप था। जीते जी मुझे इतना दुख दे रहा था कि अगर वो लोग उसे नहीं मारते तो शायद एक दिन मैं ही उसे मार देती। तुम्हारी माँ और बहन? ना ही वो औरत मेरी माँ थी और ना ही वो बहन। वो औरत को तो मेरे बाप ने अपने सुख के लिए रखा था और वो लड़की उसी की बहन थी। अगर तुम्हें किसी की मौत का दुख नहीं तो फिर तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि उन लोगों ने मेरे भाई को मार दिया। एक मेरा भाई तो था मेरी जिंदगी में, जो मेरा बाप था, मेरी माँ थी, मेरा सब कुछ था। उसे भी छीन लिया मुझसे। उसकी क्या गलती थी, उसने क्या किसी का बिगाड़ा था, लेकिन मैं भी उन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया कि मैं उन हत्यारों को पहचानती हूँ। पुलिस? नहीं छोड़ूंगी उन्हें, नहीं छोड़ूंगी। अरे तुम दरवाजा क्यों लॉक कर रहे हो? पुलिस मुझे मिलने आ रही है, मेरा बयान लेने आ रही है। तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्या कर रहे हो? मुझे पुलिस को अपना बयान देना है। और ये सब तुम क्या कर रहे हो? अरे मेरी बात तो सुनो। अरे पुलिस मुझे मिलने आ रही है, मैंने पुलिस को फोन करके बुलाया है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बताओ तो, मेरी बात तो सुनो। पुलिस मुझे मिलने आ रही है। अरे कुछ तो बताओ, क्या कर रहे हो? अरे अरे तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे ये दरवाजा उसे खोल कैसा? शिरके तुम ये दरवाजा खोलो। सालवी यही है वो। अरे तुम मुझे बताते क्यों नहीं, हम क्यों वहां से भाग आए? अरे रुको तो सही, मैं कब से तुमसे पूछे जा रही हूँ, तुम मुझे जवाब ही नहीं दे रहे हो। अरे पुलिस मेरा बयान लेने आई थी। पुलिस तुम्हारा बयान लेने नहीं, तुम्हें मारने आई थी। पुलिस के साथ वो लोग भी थे जिन्होंने तुम्हारे परिवार को मारा है। पुलिस के साथ वो लोग भी थे जिन्होंने मेरे परिवार को मारा है? इसीलिए मैं तुम्हें वहां से निकाल के लाया हूँ। अब तुम्हें कहाँ जाना है सोच लो। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? कोई ऐसी जगह ढूंढ लो जहां तुम्हारी जान बच सके। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। रूम 315 सर। देखो देखो, मेरे पास और कोई जगह नहीं है जाने के लिए। मुझे लगता है कि यही जगह सेफ है मेरे लिए, तुम्हारे पास। लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। ऐसा मत कहो, इस छत के नीचे थोड़ी सी तो जगह मांग रही हूं मैं। इसके बदले तुम्हारे सारे काम कर दूंगी।
तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी, तुम्हारे कपड़े बर्तन सब धो दूंगी मैं, प्रॉमिस। ये सब काम मैं खुद कर लेता हूँ, तुम अपना रास्ता देखो। किस्मत ने जो मेरे साथ मजाक किया है ये तो तुमने देखा ही है। अभी शहर में मेरा कोई सहारा नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। लेकिन इतनी रात को मैं जाऊंगी कहां? देखो आज की रात मुझे यहां सोने दो, कल सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी। हाँ सुबह ही चली जाऊंगी मैं। वहां सो जाओ। क्या हुआ? ठंड लग रही है। क्या नाम है तुम्हारा? किरण। I love you, किरण loves you, किरण loves you, I love you। नाश्ता करो और जाओ। लेकिन हाँ नाश्ता करके चली जाऊंगी। मुझे भी तैयार होकर काम पर जाना है। जानीमन खरबंदा कंस्ट्रक्शंस के मालिक श्री पंकज खरबंदा की किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी। तुमने इस आदमी को मारा है ना? तुम लोगों को मारने का काम करते हो? मेरे बारे में सोचने के लिए अपना दिमाग मत चलाओ। नाश्ता करो और जाओ यहाँ से। नहीं 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 नहीं, तुम्हारे काम के बारे में जानकर मुझे हैरानी नहीं हो रही है। आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद दैट। अरे काम तो काम है, जैसे डॉक्टर, वकील, पंडित, मौलवी, सबके अपने अपने काम होते हैं। वैसे तुम्हारा भी यही काम है सबको टिका डालने का। मैंने तुमसे कहा ना, देखो अगर तुम मुझे ये चलाना सिखा दोगे ना तो तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। तुमने पहले भी मुझ पर एहसान किया है ना। अगर तुम मुझे कल वहां से नहीं निकालते तो वो लोग मुझे मार चुके होते। तुमने मेरी जान बचाई है ना। जो उस वक्त मुझे जरूरी लगा मैंने कर दिया, लेकिन अब तुम अपना रास्ता अलग करो। मैं अपना रास्ता अलग कर लूंगी, लेकिन तुम्हारे ये जो आर्ट है ना वो तुम मुझे सिखा दो। मुझे ट्रेन करो, ट्रेनिंग दो मुझे। ये लो तोहफा है मेरी तरफ से और निकलो यहाँ से। तुम क्या समझती हो इसे चलाना आसान है? इसे चलाना तो दूर, तुम इसे उठा भी नहीं सकती। तुम्हारी ये कलाई है ना मुड़ जाएगी। हेलो हेलो
पांडे बोल रहा हूँ। अभी अभी यहाँ लोखंड वाला मार्केट में ब्रिज के पास किसी ने बाली की बेटी को देखा है। सर, ये तो बाली की बेटी नहीं है सर। अरे होटल वाले ने तो हमको निकालना ही था। हम किसी के होटल में गोली चलाएंगे तो हमको कैसे रहने देगा? और तुमने भी तो मेरी ईगो को हर्ट कर दिया। गलती पूरी तरह से मेरी नहीं थी। तुमने ही ऐसी बात कह दी थी कि मुझे जरा जोश आ गया। तुमने ही तो कहा था कि मुझसे रिवॉल्वर उठाया नहीं जाएगा और मेरी कलाई मुड़ जाएगी, इसलिए मैंने रिवॉल्वर उठाया और गोली चला दी। धप्पड़! पहले मैंने उससे एक फायर किया, फिर मैंने सोचा कि तुम समझोगे कि मैं उस फायर से डर गई, इसलिए मैंने दो चार और फायर कर दिए। जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। तो तुम मान गए ना कि मैं रिवॉल्वर चला सकती हूँ? मान गए ना? मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा। ओके। बात जितनी जरूरी है उतनी करो, उससे ज्यादा नहीं। ओके। जितना मैं बताता हूँ, समझाता हूँ, उतना ही करो। अपना दिमाग मत चलाओ। ओके। और ये हर बात के बाद में ओके ओके कहना बंद करो। ओके। क्या खेलना चाह रहा है? क्यों भाई, यहाँ रह रहा था, वहां क्या प्रॉब्लम हुई? मदन भाई, वो जगह मैंने छोड़ दी। क्यों? वैसे ही कुछ दिनों से वहां दिल नहीं लग रहा था। ठीक है, कलीना में मेरा एक फ्लैट खाली पड़ा है, तुम वहां जाकर रह लो। वाह, क्या घर है! बिल्कुल ऐसे ही घर मेरे सपनों में आता था। हॉल भी ठीक है, और वैसे हम दोनों को तो यहाँ रहना है। बाथरूम काफी बड़ा है ना? वैसे घर में बाथरूम तो बड़ा ही होना चाहिए। बाथरूम बड़ा होने से क्या होता है पता है ना? नहाने के टाइम ना वो बाथरूम छोटा या बड़ा उससे क्या फर्क पड़ता है ना? अरे ये तो बेडरूम है, लेकिन इस घर में तो एक ही बेड है, इस पर तो मैं सोऊंगी, तुम कहाँ सोगे? मुझे सोने के लिए बेड की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सुनो तो, ओ मैं तुम्हें बताती हूँ तुम कहाँ सो सकते हो, वो वाली चेयर पे। उस दिन होटल में जब मैंने तुम्हें चेयर पे सोते हुए देखा ना, तो मैं हैरान रह गई। ये आदत तुमने डाली कैसे? बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी होगी ना? सॉरी, वो बात जितनी जरूरी है उतनी। देखो, तुम्हें जब भी लगे कि मैं ज्यादा बोल रही हूँ मुझे टोक दिया करो। अगर तुम मुझे टोकोगे नहीं, बोलोगे नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं ज्यादा बोल रही हूँ? जाओ सो जाओ। सो तो जाऊंगी मैं, लेकिन मुझे तो बहुत नींद आ रही है। मैं जा रही सोने। गुड नाइट, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। साला सैंपल, समझते है क्या अपने आप को?
एक दिन इसी के बंदूक से इसकी बोलती बंद कर दूंगी। साला चश्मिश। क्या हुआ? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। इतनी रात को कुछ नहीं मिल सकता, सो जाओ। ज्यादा बोलने के लिए मना करता, कम बोलो तो समझते नहीं हूँ। जब मुझे भूख लगी तो मैं सो कैसे सकती हूँ? हाँ।